हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम देखेंगे मेयोनीज कैसे बनाते हैं। मेयोनीज बनाना बहुत ही ईजी है और घर में कोई भी टाइम पे आप 1 सेकंड के अंदर बना सकते हैं और इसको 1 वीक तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई सैंडविच में, कोई सैलड में, कोई पिज्ज़ा में। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून बाटर लिया और उसमें मैंने लहसुन को पील करके रखा था, उसको मैंने सॉटे कर लेंगे। उसमें कोई मसाला की ज़रूरत नहीं है, आप सॉटे कर लीजिए तो स्मेल नहीं रहते हैं। कोई कोई कच्चा यूज़ करते हैं लेकिन कच्चा लहसुन का स्मेल बहुत ही विजर्ड होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा, मेरा ओन ओपिनियन है, मैं थोड़ा सॉटे कर लेती हूँ। इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, और देखिए फ्रिज में भी रख के इसको यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अंदर मैंने वेजिटेबल चॉप्ड कर लिया क्योंकि मैं सैंडविच बनाऊंगी मेयोनीज से, और लेमन लिया दो। लेमन को मैंने तो लेमन जूस यूज़ करूँगी मेयो बनाने के लिए, क्योंकि वो सिंथेटिक विनीगर मैंने यूज़ नहीं करूँगी। और इसके लिए मैंने ऑयल 1 कप से थोड़ा कम लिया और इसको 1 कप से कम दूध भी लिया। उसमें सेम क्वान्टिटी, इक्वल क्वान्टिटी को मैंने फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दिया था, उसका बाद यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल का कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे आप ग्राउंड नट ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो ऑयल आपका ज़्यादा पसंद है, और ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने 1 लेमन जूस इसमें ऐड कर रही हूँ। आप देखिए बिल्कुल ठंडा होना चाहिए सब। इसके बाद हम लोग सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ करना। मैंने 1/2 टेबल स्पून यूज़ किया और इसके साथ मैंने 1.5 टेबल स्पून शुगर यूज़ किया। इसमें बहुत ही खट्टा मीठा टेस्ट आती है, अच्छा लगता है। अब देखिए 1 सेकंड के लिए मैंने चला लिया मिक्सी में और कितना अच्छा बन गया, बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ गई। तो ये आप आसानी से कोई भी सलाद में यूज़ करें तो इतना इंजॉय कर सकते हैं ना। मैंने इतना मेयो बनाई, तो अब देखिए इसके बाद मैंने सलाद के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसके लिए मैंने चॉप्ड ऑनियन लिया, चॉप्ड ग्रीन चिली और कैबेज, और कैबेज के बाद मैंने थोड़ा सा बीटरूट ग्राइंड करके, सॉरी स्लाइस करके लिया, और इसके साथ मैंने चॉप्ड कैप्सिकम और चॉप्ड टोमेटो भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसका जगह कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकोली भी, क्यूकम्बर भी यूज़ कर सकते हैं, आपका जो मन चाहे आप ऐड कर सकते हैं, इसका आप जो सैंडविच पसंद है। इसके बाद मैंने पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ, ज़रूर पेपर पाउडर ऐड कीजिए। उसके बाद मैंने जो पिज़्ज़ा हाफ्स है उसको भी ऐड किया इसके साथ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें सॉल्ट बिल्कुल ऐड नहीं किया क्योंकि वो मेयोनीज का जो टेस्ट है ना उसमें से बहुत ही कमाल है, उसके एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए मैंने 3 टेबल स्पून ओनली मेयोनीज यूज़ किया, बाकी मैंने स्टोर करूँगी। कोई भी, जब भी हमारा सैंडविच बनाना है और पिज़्ज़ा बनाना, कोई चिकन रैप, कोई सैलड बनाने का मन करे तो मैंने यूज़ करूँगी। मैंने तो 15 डेज तक स्टोर कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बोलती हूँ 1 वीक तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप ज़्यादा तीखापन पसंद है तब ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने सैंडविच ब्रेड लिया जिसको मैं सैंडविच बनाऊंगी। अब देखिए मार्केट में नॉर्मल जो सैंडविच ब्रेड मिलती है वैसे ही लिया और उसको चारों तरफ से मैंने वो काट के निकाल दिया। तो सैंडविच बनाने के लिए ये बहुत, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने चारों तरफ से मैंने पहले से ही निकाल दिया। कोई कोई करते हैं इसको सैंडविच बनाने का बाद काट के निकालते हैं, लेकिन मैंने पसंद करती हूँ पहले से ही निकाल देना। इसके बाद मैंने थोड़ा सा बाटर अप्लाई कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो बाटर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका जगह चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको मर्ज़ी है। तो मैंने बाटर अप्लाई किया, उसके बाद देखिए ये सैलड मैंने जो मिक्स करके रखा था उसको मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, और इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है, आप ज़रूर बना के एक बार खाइए। और कोई कोई बोलता है मेयोनीज में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है, लेकिन वो ऑयल आप देखिए कितना सारे मेयोनीज बनाया मैंने, उसमें ओनली 3 टेबल स्पून मैंने यूज़ किया, तो 3 टेबल स्पून तो बहुत ही कम है, उसमें कितना सारे ऑयल होती है। और आप देखिए ज़्यादा ऑयल तो नहीं है, मैं कितना सारे सैंडविच भी बना रही हूँ 3 टेबल स्पून मेयोनीज से। तो मैंने जो हम लोग डीप फ्राई समोसा खाते हैं उससे भी कम लगते हैं इसमें, एक साथ हम लोग 1 कप ऑयल नहीं खा रही हूँ, नहीं पी रही हूँ। अब देखिए ऐसा कितना अच्छा सैंडविच बन गया, इस सैंडविच में इतना सारे आपको वेजिटेबल्स है, उसका जो फाइबर है उसमें से वो
कुछ हार्मफुल नहीं कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसका जगह आप हंग कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल रियल मेयोनीज ऐसे बनते हैं, आप ऑयल का स्किप करना चाहते हैं तो इस जगह आप हंग कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने बाद में दिखाऊंगी हंग कार्ड से कैसे सैंडविच बनाते हैं और सैलड बना के हमने इंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए कितना टेस्टी एंड यमी लग रहे हैं ना देखने में, बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी है। आप ज़रूर इंजॉय कीजिए, ज़रूर बना के देखिए और इंजॉय कीजिए। बाहर का मेयोनीज बिल्कुल नहीं लेना। और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।